हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज के इस वीडियो के माध्यम से पेपर से बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाना सीखेंगे, जो कुछ फाइनली इस प्रकार से दिखेगा। इस फ्लावर पॉट में आपको कुछ अलग अलग प्रकार के फ्लावर भी दिख रहे होंगे, तो इसको भी हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पॉट को बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो कुछ आवश्यक मटेरियल चाहिए वो इस प्रकार कलरफुल पेपर, जिसको हम मेजरमेंट करके काट चुके हैं, फेविकॉल, उसके बाद पेंसिल या स्केच, एक स्क्रैपर, कैंची और एक स्केल चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो भी हम पेज हम काट के रखे हुए हैं, इसका साइज हम बता देते हैं। ये हमारे पास ब्लैक कलर का है, जिसका साइज है 4 इंच बाई 4 इंच। इसका ब्लू कलर का पेपर है, इसका साइज है 7 इंच और 4 इंच इधर से। इसके बाद एक ये पेपर है, जिसका साइज है 7 इंच और 6 इंच। तो अभी सबसे पहले हम ब्लू कलर का पेपर लेंगे, इस पेपर का साइज है 7 इंच और 4 इंच। इसको इस टाइप से मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके मोड़ करके, और इसको इस टाइप से चिपकाना है। तो इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं, और फेविकॉल लगाने के बाद इसको हम ऐसे करके चिपका देते हैं। ये चिपका चुके, अब इसको हम साइड करते हैं। अब हमको चाहिए पिंक कलर का पेपर। इस पेपर में यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए हैं, फिर नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके एक लाइन ड्रॉ किए हैं। फिर इसके बाद ये जो टिक लगा हुआ है, ये 1-1 सेंटीमीटर पे टिक लगा हुआ है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर एक टिक, ऐसे करके यहाँ तक टिक लगा लिए हैं, और इसमें भी उसी प्रकार से टिक लगा हुआ है। उसके बाद अब हमको क्या करना है कि पेंसिल से जो भी हम टिक लगाए हैं, उसको इस टाइप से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे कि स्क्रैपर की सहायता से या कोई भी ब्लेड की सहायता से इसको हम यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे, ऐसे करके कट करेंगे, और इस प्रकार से सभी लाइन को यहाँ तक हम कट कर देते हैं। केवल इतना ही दूर कट करना है। इसको अब कट कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम ये जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन पर इसको इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से करना है फोल्ड, ऐसे और ऐसे। ये आपको इस टाइप से हो जाएगा। फिर यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे, और ये जो अभी हम राउंड बनाए हुए हैं ब्लू कलर का, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इसको लपेटते हुए यहाँ तक चले आएंगे। इसको यहाँ पे लाके चारों तरफ से अच्छे से चिपका देंगे। सेम प्रोसेस ऊपर भी करना है। इस वाले पार्ट में हम फेविकॉल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसको चिपकाना है, और इसको हम इस टाइप से चिपका देते हैं। हल्का सा दबाएंगे तो अपने आप ये फूल जाएगा। तो ठीक इसके सामने यहाँ पे चिपका दिए हैं। ये लगभग आपका फ्लावर पॉट बन चुका है। बेस तैयार करने के लिए हम एक और पेज हम काट के रखे हुए हैं, जिसका साइज है 4 इंच बाई 4 इंच। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे, और इसको इसके ऊपर बीचों बीच हम रख देते हैं इसे, तो अपने वो थोड़ा देर में वो चिपक जाएगा। तो फाइनली आपका ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम फ्लावर बनाना सीखते हैं। तो अभी हम इस टाइप का फ्लावर बनाते हैं। इस टाइप के फ्लावर बनाने के लिए हमारे पास जो कुछ चाहिए, बस एक सिंपल सा एक हम अभी वाइट पेपर ले लेते हैं, जिसका साइज A4 है, और वही सेम मटेरियल चाहिए। तो इस वाइट पेपर को क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इसे हाफ मोड़ेंगे, और हाफ फोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ से हाफ फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से अब हाफ फोल्ड करेंगे, और एक बार और हाफ फोल्ड करेंगे। कितना बार हो गया, ये 4 बार हो गया। खोल के एक बार दिखा देते हैं। एक ये पेज था, पहले हाफ फोल्ड किए, फिर हाफ फोल्ड किए, उसके बाद फिर से हाफ फोल्ड किए, और फिर से हाफ फोल्ड किए। तो ये 4 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है, इस दोनों पार्ट को उठा के लाना है यहाँ पे, यानी कि इस तरीका से बीच में उंगली रखेंगे,
और ऐसे करके घुमाएंगे और यहाँ पे ला करके सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पार्ट को हम ऐसे करके पुश कर देते हैं तो यहाँ पे एक फोल्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम स्केच पेन लेंगे और स्केच पेन से ये जो पार्ट है इधर का, इस साइड में थोड़ा दूरी छोड़ करके, यानी कहने का मतलब हो गया आप 1 या 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसका ये वाली पार्ट को हम काट के निकाल देते हैं, ये कटिंग कर चुके। अब जब इसको हम खोलेंगे तो ये 4 पत्ती वाला इस टाइप से फ्लावर बना है। अब हमको जो इस फ्लावर में टेक्सचर दिख रहा है, इस टेक्सचर को बनाने के लिए क्या करेंगे कि जिस शेप में ये मुड़ा हुआ था उसी शेप में इसको मोड़ेंगे। जैसे ये था ऐसे करके पहले मुड़ा था, फिर इस टाइप से इसी शेप में मोड़ेंगे। अब हमको एक रुमाल चाहिए या फिर कोई भी मजबूत कपड़ा चाहिए, और एक हमको हार्ड बोर्ड चाहिए तो उसको सरफेस के तौर पे हम यूज करेंगे। और ये जो हमारे पास रुमाल है इसको यहाँ पे पहले ऐसे रखेंगे, और अभी जो हम ये पत्ती तैयार किए हैं काट करके तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, सेंटर इसका किधर है। जैसे इसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं। कैसे समझे सेंटर है? ये पत्ती का लास्ट पॉइंट है, ये सेंटर है। इसको ऐसे रखें, ये हमारा सेंटर है, ये लास्ट पॉइंट है। फिर ये वाले पार्ट जो है इससे हम इसको ढक देंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ लास्ट पॉइंट है। अब एक हाथ से यहाँ पे ऐसे करके दबा के रखेंगे और दूसरे हाथ से ये जो हम इधर से जो पार्ट है रुमाल का, इस पार्ट को हम खींचते हुए इधर ले आएंगे इस टाइप से। और इस टाइप से खींचना है कि पेपर भी हल्का हल्का फोल्ड हो अंदर में। ऐसे करके जब खींचेंगे इसके बाद जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ फोल्ड आपको तैयार हो गया है। तो यही फोल्ड हमको लाना है। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा कि 2 पत्ती ऊपर से और 2 पत्ती नीचे से हो जाएगा इस टाइप से। तो इसको हम जो उंगली की सहायता से ऐसे करेंगे ऊपर चलाएगा, इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक बार और हम बता देते हैं, जैसे ये पत्ती फोल्ड किया हुआ था वैसे ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कपड़ा ऐसे रखेंगे, कपड़ा रखने के बाद यहाँ पे इसको रखेंगे, पहले सेंटर देख लेंगे किधर है। जैसे इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर से ऐसे कपड़े से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद एक हाथ से इसको यहाँ से यहाँ तक दबा के रखेंगे और दूसरे हाथ से इस वाले पार्ट को खींचते हुए इधर ले आना है। इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे, ऐसे करके जब खींचेंगे और उसके बाद जो हम देखेंगे पेपर का, तो पेपर में इस टाइप से फोल्ड हो जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको फिर हम खोलेंगे, खोलने के बाद वही सेम हो जाएगा इसमें भी, यानी कि 2 पत्ती ऊपर से 2 पत्ती नीचे से। ऐसे करके उंगली से पुश करेंगे तो ये पत्ती ऊपर हो जाएगा, ऐसे करके पुश करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम 2 पत्ती बनाए, दोनों पत्ती को क्या करते हैं एक दूसरे के अपोजिट करके फेविकॉल से चिपका देते हैं। अब इस फ्लावर में हम देखते हैं कि इससे छोटा पत्ती भी इसमें सेट किया हुआ है। तो छोटा पत्ती कैसे बनाएंगे? छोटा पत्ती बनाने के लिए आप अभी जो पेपर को कट किए थे, ये वाली पेपर है, इस पेपर को ऐसे करके खोलेंगे। खोलने के बाद ये वाली जो बीच का जो पार्ट है, पूरे पेपर का बीच का पार्ट, जैसे पूरे खोलेंगे तो सेंटर का पार्ट ये वाली पार्ट है, इस पार्ट को हम फिर वही करेंगे। यहाँ से ऐसे करके लाएंगे उठा करके और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये इधर से हम थोड़ा सा दूरी छोड़ करके टिक लगा लेते हैं और हाफ पत्ती के शेप में ऐसे करके ड्राइंग कर देते हैं। ड्राइंग करने के बाद इसको हम काट के निकाल लेते हैं। ये हम काट के निकाल चुके, जो कि पहले जो पत्ती बनाए थे उससे काफ़ी छोटा भी हो गया और हमको छोटा पत्ती ही बनाना था। इसको भी जो टेक्निक से अभी इसको फोल्ड किए उसी टेक्निक से इसको फोल्ड करके इसमें हम चिपका देते हैं। ये रहा। अब इसमें क्या करना है कि छोटा छोटा हम पेपर को कटिंग करते हैं दूसरे कलर का, जैसे इसमें हम छोटा छोटा पेपर को कटिंग करके चिपकाए हैं, उसी टाइप से हम दूसरे कलर का पेपर को छोटा छोटा टुकड़ा कटिंग करेंगे और इसमें फेविकॉल लगा करके चिपका देंगे तो फाइनली इस टाइप का देखने में लगेगा। इसमें पेपर चिपका दिए हैं छोटा छोटा टुकड़ा काट करके, तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। चलिए ये कंप्लीट हो चुका।
अब हम इस टाइप का फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसमें जो आपको फोल्ड दिख रहा है, इस फोल्ड को कैसे तैयार करेंगे, इसको भी बनाने के लिए हमको एक A4 साइज का पेपर चाहिए। जैसे हमारे पास अभी एक पेपर ले लेते हैं, ये पेपर है। इस पेपर को सेम उसी टाइप से हम फोल्ड करेंगे। फिर इसको उठा करके यहाँ पे लाना है और ऐसे करके हम फोल्ड तैयार कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद स्केच पेन लेंगे और जैसे उसमें बनाए थे स्केच से हम ड्राइंग किए थे, उसी टाइप से इसमें भी कर देना है ऐसे। और इसको हम कैंची से ये वाली पार्ट को काट के हटा देते हैं। ये हम काट चुके हैं। अब इसमें से हम एक पेपर को निकालते हैं और निकालने का जैसे ये फोल्ड किया हुआ था वैसे ही फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक पेंसिल चाहिए, पेंसिल को यहाँ पे सेंटर पे ऐसे करके रखेंगे। ये हमारा सेंटर है, ये लास्ट पॉइंट है। रखने के बाद इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हल्का सा पेज को ढीला करेंगे जिससे कि ये ऐसे करके अप डाउन हो सके। उसके बाद इसको यहाँ पर नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद एक हाथ से ऐसे करके ऊपर से दबाते हुए इसको चिपटा कर देना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उंगली पर जोर पड़ता है ना, तो इसको हम देखते हैं चिपटा करके। देखिए तो ये हमारा थोड़ा सा चिपटा हुआ है इस टाइप से, है ना। इसको हम छोड़ देते हैं, लगभग ये बन भी चुका है। इसको आराम से ऐसे करके खोलना है। जैसे ही ये खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि उसी टाइप का टेक्सचर, जैसा इस फ्लावर में टेक्सचर है उसी टाइप का टेक्सचर इसमें दिखेगा। ऐसा लगेगा कि नाग सांप के जैसा टेक्सचर है। नाग सांप जब फन ऐसे करके करता है तो उस टाइप का टेक्सचर इसमें दिखेगा। आराम आराम से खोलेंगे, इसमें भी सेम वही दिक्कत होगा जो दो पत्ती ऊपर दो पत्ती नीचे। तो इसमें हम ऊपर नीचे करने का कोशिश नहीं करेंगे और जैसा है उसी टाइप से हम एक और पत्ती को बना करके और उसके एक दूसरे के अपोजिट हम चिपका देंगे। तो एक और पत्ती को हम बना लेते हैं। तो एक और पत्ती में हम इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं और इसको हम फेविकॉल यहाँ पर लगाएँगे बीच में, और लगाने का एक दूसरे के अपोजिट करके ऐसे करके चिपका देते हैं। और जैसे ये एक फोल्ड ऊपर एक फोल्ड नीचे, एक फोल्ड ऊपर एक फोल्ड नीचे, इसको इसी टाइप से छोड़ देंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। है कि ये भी जो फ्लावर है इसमें भी जब आप देखेंगे ध्यान से तो एक पत्ती नीचे की तरफ एक पत्ती ऊपर की तरफ है इसमें भी, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से घुंघरूला हो जाता है जिससे कि आपको ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जैसे इसमें क्या किए कि हम बीच में छोटा सा अलग अलग कलर का पेपर को काट करके हम इसमें चिपका दिए तो अच्छा लगा, तो इसमें भी हम काट के चिपका सकते हैं। तो इसको हम भी हम चिपका करके फाइनली इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इस फ्लावर के पीछे से ग्रीन कलर का पत्ती हम चिपकाए हुए हैं। तो अभी तो हमारे पास ग्रीन कलर नहीं था तो हम क्या किए हैं कि ब्लू कलर का हम एक बना चुके थे पहले से ही, तो इसको हम इसके पीछे से चिपका देते हैं अभी जो फ्लावर बनाए हैं उसके पीछे से। तो ये देखिए तो अब कितना सुंदर ये लग रहा है। अब हमको फ्लावर का डंटी बनाना है। तो फ्लावर का डंटी बनाने के लिए इसको हम यहाँ से हाफ फोल्ड करेंगे और इसको दो भाग में हम काट लेते हैं। अब ये काट के हाफ हम निकाल चुके हैं इसमें। अब क्या करेंगे कि पेंसिल की सहायता से यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे। अभी जो हम बना रहे हैं इसमें आप फ्लावर का डंटी भी बना सकते हैं और इससे फ्लावर भी बना सकते हैं सेम टू सेम ऐसा भी। तो देखते हैं ये फ्लावर भी कैसे बनता है इससे। इसको यहाँ तक ऐसे करने के बाद हम हाफ से यहाँ तक हम चिपटा कर देंगे और हाफ से इधर राउंड ही रहने देंगे। इसके बाद स्केच पेन से यहाँ से ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद ये वाली पार्ट को हम काट के हटा देते हैं क्योंकि ब्लू कलर का पेज है और ब्लू कलर के स्केच से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। फिर हम काटते हैं तो अच्छे से दिखेगा। तो यही हम स्केच किए थे जो अभी कटा है ना। तो इस टाइप से काटने के बाद क्या करेंगे कि ये नीचे का पार्ट अभी भी राउंड ही है, ऊपर इस टाइप से अभी लग रहा होगा मोमबत्ती के जैसा। अब सेम प्रोसेस जैसे अभी हम इस वाले फ्लावर में हम जो ये वाली टेक्सचर लाए हैं इसी टाइप का टेक्सचर हम इस पत्ती में भी लाना चाह रहे हैं। इसको लाने के लिए वही चीज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए
बोर्ड रखे हैं, बोर्ड के ऊपर से फिर रुमाल रखे हैं, उसके ऊपर से इसको रख देते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे करके ढक देते हैं। ढकने के बाद एक हाथ से ऐसे करके दबाव देंगे और एक हाथ से ऐसे करके खींचते हुए इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा कि इसमें इस टाइप का टेक्चर बन जाएगा। जब ये टेक्चर बन जाएगा तो क्या करेंगे कि इसके बीच वाले पार्ट को हम निकालना चाहेंगे, तो निकालने के लिए यहाँ से हम ऐसे करके हल्का सा पुश करेंगे पीछे से, तो बीच का पार्ट यहाँ से निकलेगा। जैसे निकलेगा तो हम घींच देंगे ऐसे करके, है ना। खींचने के बाद क्या करना है, आप हल्का सा मूव भी करना है और ऊपर नीचे भी करना है ना। तो ये रहा, इस टाइप से जब करेंगे तो ये आपका पेड़ का डाली के जैसा बन जाएगा। चारों तरफ से पत्ता फैला देंगे तो, है ना, और इसके ऊपर से हम फ्लावर लगाएंगे तो ये डाली का काम करेगा और ऊपर से है सो ये फ्लावर बन गया। लेकिन अब हम इसको ब्लू कलर का ही फ्लावर बनाना चाह रहे थे, इसको क्या करेंगे कि चिपता कर देंगे ऐसे। जब हम चिपता करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये फ्लावर के जैसा बन जाएगा, जब इसको हम खोलेंगे तो ये फ्लावर का डंटी बन जाएगा। तो इस टाइप से आप दोनों काम इसमें कर सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं और फ्लावर का डंटी भी बना सकते हैं, है ना। इस टाइप से ऐसे कर देंगे तो कली के जैसा बन जाएगा, तो बहुत सारा कुछ इससे बना सकते हैं। तो चलिए अभी हमको फ्लावर का डंटी मेन बनाना है, तो यहाँ तक ऐसे खड़ा कर दिए हैं। खड़ा करने के बाद यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं, फेविकॉल लगाने के बाद इसको हम चिपका देते हैं। फिर यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं और जो भी फ्लावर बना है इसको हम चिपका देते हैं। इसी सब टाइप से इस सब फ्लावर में भी हम डंटी लगा देते हैं। जैसे अभी हमारे पास बहुत पहले से एक डंटी बना हुआ था ग्रीन कलर का ही, तो इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। और एक अभी इससे थोड़ा देर पहले हम बनाए थे तो एक यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं। तो इस प्रकार से सभी फ्लावर में हम डंटी लगा देते हैं। ये हम चिपका चुके। अब पिंक कलर का पेपर एक लेते हैं, या कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं, वाइट कलर का या पिंक कलर का। इसके बाद इस टाइप से हम कटिंग करते हुए यहाँ तक कटिंग कर देंगे। अब एक छोटा सा स्टिक चाहिए, जैसे ये हमारे पास स्टिक है। इस स्टिक में क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले फेविकॉल लगाते हैं, लगाने के बाद इसमें भी स्टिक में भी थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेते हैं और इसको इस तरीका से इसको मोड़ते हुए ऐसे करके लपेट देंगे, तो ये भी एक टाइप का फ्लावर के जैसा लगेगा देखने में। तो इसको भी हम यूज करेंगे। अब क्या करते हैं, ये हमारा फ्लावर पॉट भी बन के रेडी है और ये हमारा फ्लावर भी बन के रेडी है। एक फ्लावर हमारे पास एक्स्ट्रा ही हो गया, इसको हम ऐसे करके रख के देखते हैं। चलिए ये सिंगल ही फ्लावर ऐसे रहेगा तो भी अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लग रहा है। बट इस फ्लावर को भी साइड करते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पर ऐसे डालेंगे, ऐसे डाल देते हैं, फिर ऐसे डाल देते हैं, फिर इसको भी डाल देते हैं। ये अब देखते हैं साइड से कि कैसा लग रहा है। वाओ, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है जब हम इसको साइड से देखते हैं तो। और इस टाइप से आप भी बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। और इस टाइप से और भी बहुत सारा डिज़ाइन बनता है, लेकिन एक ही वीडियो में सभी कुछ को बताना संभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अभी इस वीडियो में जो भी कुछ हम बताए हैं वीडियो के माध्यम से, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।